आज की इस वीडियो में ये भाई मेरे पीछे चावल वाले आपको बताते हैं सऊदी अरब में चावल कितने पैसे कमाता है एक महीने में, इनका ओवर टाइम क्या है, इनकी ड्यूटी टाइम क्या है, मुकम्मल पता करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी सर, ये इनके पास चावल है कैटरपिलर का, मैंने इनसे ये गाड़ी लोड करवाई है, तो अब इनसे कुछ बातचीत करते हैं, पूछते हैं, चलते हैं गाड़ी में। जिस तरह के हम आ गए हैं चावल के बीच में, और ये हमारे भाई हैं नेपाल से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब अच्छा चल रहा है? सही है। तो कितना सैलरी आपको ये दे रहा है कंपनी? इधर हमारा कंपनी 2000 सैलरी देता है, प्लस 2 घंटा ओवर टाइम है। सही है। और जुमा का 9 घंटा ओवर टाइम मिलता है। सही है। बस 2 घंटे टाइम ओवर टाइम है। बेसिक ड्यूटी कितने टाइम की है? बेसिक ड्यूटी हमारा 10 घंटा ड्यूटी है। 10 घंटा ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम। 2 घंटा ओवर टाइम है। तो कितना साल हो गया इस कंपनी में आपको काम करते हैं? हमारा अभी 3 साल पहुंचने वाला है, 3 साल होने वाला है अभी। माशाल्लाह। बकाया जो सैलरी है टाइम से महीने में आपको मिलेगा? हाँ, एकदम करेक्ट। आपका ही कामा इधर का रुक्सा बना, सब कुछ पेपर पूरा है? पूरा है। लाइसेंस भी बना हुआ है? लाइसेंस नहीं बना रहे कंपनी, बाकी यही गाड़ी करते हैं। ये क्यों नहीं बना रहा? अगर आप इधर 3 साल हो गया है, कंपनी आप छोड़ के जाएगा, लाइसेंस तो नहीं है, फिर ये मुश्किल है। यही मुश्किल बना रहा है ना, ये मुश्किल है ना। उधर से हम ऑपरेटर वीजा में आया जी। अब हमारा मैं ना जो है आपके वीजे का, वो ऑपरेटर का? ऑपरेटर का ही है। सही है। लेकिन मतलब आप रोड पे नहीं ना जाता, आपको चेक किसने करना, इसलिए ये नहीं बनवा। ये अंदर है ना, अंदर है ना, रोड से ऑफ रोड है। ठीक है। तो और आपके पास ये जो लोडर है, इससे पहले कौन सा था? हम पहले छोटा है, वो पुराना वाला चलाता था, थोड़ा पुराना हो गया सब कुछ। पुराना जो होता है उसको निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, नया भी आ रही है मशीनरी। इनके पास जम्पर कितने हैं? इनके पास डम्पर कंपनी में भी 100-100 करीबन का हरा रही इधर है। 100 डम्पर इस साइड पे आता है लोडिंग के लिए। और चावल इस साइड पे कितने चल रहे हैं? चावल होगा मैक्सिमम आपको इधर साइड में 30-35 चावल। 30-35 चावल इस साइड पे चल रहे हैं। ठीक है। तो वीजा आपने किधर से लिया था? ये वीजा हमारा, ये काम, ये सरी का भेजा था नेपाल में, उधर एजेंसी पे गया था। एजेंसी वाले ने कुछ लिया था? फ्री स्टैम्प हुआ था? नहीं नहीं नहीं, फ्री स्टैम्प नहीं, पैसा खरीदा था उधर से। नेपाल से आपने खरीदा, इन्होंने एजेंसी पे भेजे थे। सही है। तो इधर इनके पाकिस्तान में भी तो जाते हैं वीजे? बहुत। पाकिस्तान में इधर पठान भाई भी हैं, दूसरे भी हैं? पठान भाई बहुत है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का आदमी है आपके इस कंपनी में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का आदमी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भाइयों को हमारी बातचीत अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अच्छी कंपनी का, अच्छे काम का बताना चाहिए। सही बात। आपको पूरा महीने में ओवर टाइम लगा के सब कुछ करके एंड जो है खाना पीना अच्छा खा के कितना बच जाता है रियाल, सऊदी रियाल? सऊदी रियाल अगर खाना पीना में ज्यादा महंगा है इधर। हाँ, बकाला बुकाला नहीं है, ऑफ रोड है ना, दूर दूर कोई चीज नहीं है, अपनी मर्जी का रेट लगाया हुआ है। 700-800 रुपये खाना में चले जाता है। 700-800 रुपया खाने में जाता है, और पीछे बचता कितना? बचता है वही है 2200 बच जाता है। सही है। तो जी भाई, मैंने जैसे आपको बताया मैक्सिमम कंपनियों की यही सैलरी है, बचत यही निकलता है। ये जो डंपर वाले हैं, ये तो 4-5 हजार वो अपने सिर पर होता है, रात को जागना काम करना वो थोड़ा मुश्किल है। इन लोग का तो मुखालफा भी तो एक आदमी का 12-13 हजार मुखालफा है। सही है। तो मुखालफे भी फिर उन्होंने देने, आपको तो मुखालफा भी नहीं है, जो आना है आपकी जेब में ही आना है। तो ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई के साथ बात की है, बहुत मजा आया, शुक्रिया जी। बहुत।